सिवान बिहार का वो जिला जहां की माताएं शेर पैदा करती हैं, जो इतिहास बनाते हैं। कभी दुनिया के महान नेताओं में से एक तो कभी विश्व का सबसे शातिर और हैरतअंगेज काम करने वाला शख्स जिसके कारनामे सुनकर दिमाग हिल जाए, तो कभी निडर पर गुस्सैल बाहुबली जो पूरे प्रदेश की राजनीति अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता हो। बड़ा कमाल का जिला है जिसे अखबारों के सुर्खियों में रहना पसंद है। यहाँ के लोग बड़े बेपरवाह किस्म के होते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो सीधे खाड़ी देश जाकर ही दम लेते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सिवान के 80% घरों के लोग सऊदी, दुबई, कतर और ओमान जैसे देशों में मिल जाएंगे। इस जिले में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया, जिन्होंने देश के लिए कई बेमिसाल काम किए, जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी याद करता है। और जब तक उनका जिक्र होता रहेगा, सिवान का भी जिक्र होगा, क्योंकि ये उनकी मातृभूमि है। तो वहीं इसी जिले में दुनिया का सबसे शातिर ठग नटवर लाल भी पैदा हुआ। हाँ, वो ठग था, पर उसका दिमाग कितना तेज होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने जैसे कारनामे कर डाले, उतना तो सोचने की कैपेसिटी भी लोगों की नहीं होती। उस शख्स ने ताजमहल और संसद भवन तक बेच डाला था। इसके बाद सिवान जिले के सांसद रहे शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता, जिसे जिले के लोग आज भी साहब कहकर याद करते हैं। यानी इस जिले में हर दौर में एक शख्स जरूर ऐसा पैदा होता है जिसे दुनिया जानती है। सिवान पश्चिमी बिहार का एक जिला है जो कुल 2219 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 दिसंबर साल 1972 में सारण जिले से अलग होकर सिवान एक जिला बना। पॉपुलेशन के हिसाब से सिवान बिहार का 35वां सबसे बड़ा जिला है और यहाँ की लिटरेसी रेट 72% है। इस जिले में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी कमाने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा तबका विदेशों में नौकरी करता है। वैसे तो बिहार बहुत गरीब है, लेकिन बिहार के खुशहाल जिलों में से एक जिला है सिवान, जहाँ का रहन सहन हो या बोल चाल की भाषा, सबकी जुबान पर यहाँ नवाबी यानी उर्दू भाषा ही रहती है। यहाँ का मार्केट काफी ग्रोथ करता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आपको लगभग हर कंपनी का शोरूम हो या नए नए बाइक्स, यहाँ सब मिलता है। यहाँ के लोग बिहार के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा खर्चीले होते हैं, क्योंकि वो कमाते अच्छा हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं। आप यहाँ के बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि बिहार में लखनऊ जैसा नवाबी ठाट देखना हो तो सिवान आना पड़ेगा।